अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ CPR के बारे में बात करेंगे। CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिटेशन। CPR दोस्तों इसलिए किया जाता है, CPR एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए किसी मरीज़ के दिल और फेफड़ों के निज़ाम को मसनूई तरीके से बहाल किया जाता है। और दोस्तों आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर, दफ्तर या रास्ते में जाते हुए आपको कोई ऐसा मरीज़ मिलता है जो कि बेहोश हो चुका है और उसका दिल और सांस का निज़ाम रुक चुका है, तो दोस्तों आपको CPR करना आना चाहिए। तब तक कोई इमरजेंसी टीम आपके पास नहीं पहुंच जाती तब तक आप उसके दिल और फेफड़ों के निज़ाम को मसनूई तरीके से बहाल करने की कोशिश कर सकें। ये अब हम आपको CPR का अमल प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और कम्युनिटी के इफ्तिताह पर CPR करने के अमल को DRCAB के तहत किया जाता है। D से मुराद है डेंजर, R से मुराद है रिस्पॉन्सिवनेस और C से मुराद है कंप्रेशन, A से एयरवे को क्लीन किया जाता है और B से मुराद है ब्रीथिंग। डेंजर से मुराद दोस्तों जब भी आप मरीज़ के करीब जाएं तो देखें जो भी इर्द गिर्द मौजूद खतरात हैं, कोई नुकीली चीज़ या इलेक्ट्रिक वायर है तो उसको पहले हटाया जाए ताकि आप अपने आप को सेफ कर सकें। दोस्तों डेंजर चेक करने के बाद हम रिस्पांस लेने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो भैयान, हेलो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। रिस्पॉन्स ना मिलने की सूरत में हम लुक लिसन फील के ज़रिए चेक करेंगे कि मरीज़ की पल्स चल रही है, तो इसके लिए दो उंगलियां नाक के सामने रखते हुए नाक से आने वाली सांस की आवाज़ को महसूस करेंगे और इसी के साथ हम कार्डिक पल्स के ऊपर अपने दाएं हाथ की दो उंगलियां रख के चेक करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए अगर हमें रिस्पांस नहीं मिलता तो हम इमरजेंसी नंबर पर कॉल करेंगे और साथ ही हम शाउट आउट करेंगे करीबी जाते लोगों से मदद हासिल करने के लिए। और इसके बाद सीफ और कंप्रेशन। कंप्रेशन दोस्तों दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक मरीज़ के सीने को 30 दफ़ा दबाना और दूसरा मरीज़ के मुंह से मुंह लगा के 2 दफ़ा सांस देना। कंप्रेशन में दोस्तों अपने बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ से मजबूती के साथ पकड़ते हुए अपने बाएं हाथ के इस लोअर पोर्शन को मरीज़ की चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में रखें और अपने बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखते हुए चेस्ट को 2 से 2.25 इंच तक प्रेस करें और इस अमल को 30 मरतबा दोहराएं। और इसके बाद ए फॉर एयरवे। एयरवे में दोस्तों हम मरीज़ के गले को चेक करेंगे कि इसमें किसी किस्म का खून या खुराक के ज़रिए या कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जो कि सांस लेने के अमल में दुश्वारी पैदा करी हो, तो हम मरीज़ के मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए अपनी उंगली से मुँह को साफ करेंगे। साफ़ करने एयरवे को क्लीन करने के बाद दोस्तों बी फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हम अपने पास मौजूद कोई साफ़ रुमाल या कोई कपड़ा मरीज़ के मुंह के ऊपर रखते हुए अपने बाएं हाथ से मरीज़ के माथे को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे और अपने बाएं हाथ की ही उंगलियों से मरीज़ के नाक को बंद करेंगे और दाएं हाथ से थोड़ा सा ठोड़ी को लिफ्ट करते हुए नीचे की जानिब मुँह से मुँह लगा के 2 दफ़ा सांस देंगे। और सांस देने में इस बात का ख्याल रखें कि आप इतने ज़ोर से सांस लें कि मरीज़ की चेस्ट जो है वो आपको उभरती हुई दिखाई दे। और अब इस सारे प्रोसेस को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आपने अपने हाथों को इस पोजीशन में लाना है, बाजुओं को स्ट्रेट रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और आपने अच्छे तरीके से एयरवे क्लीन करनी है। एयरवे क्लीन करने के बाद साफ़ कपड़ा या रुमाल मुँह पर रखें, माथे को लिफ्ट करें, नाक को बंद और चिन को नीचे की तरफ लिफ्ट करते हुए इस तरह से 2 सांस लेने और इस सारे प्रोसेस को आपने तब तक जारी रखना है जब तक मरीज़ की सांस बहाल हो ना जाए या जब तक आपके पास कोई इमरजेंसी टीम पहुँच ना जाए। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।